समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जौली। रुख करेंगे ललितपुर की कुछ खास खबरों पर। जन अधिकार पार्टी एवं AIMIM ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 15 फरवरी को 10 बजे गिन्नौर बाग मैदान में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की बड़ी जनसभा आयोजित होगी, जिसमें मुख्य रूप से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा एवं AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा गठबंधन के और भी बड़े नेता करेंगे शिरकत और सभा को संबोधित करेंगे। ललितपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटें जो कि गठबंधन में जन अधिकार पार्टी के खाते में गई हैं। ललितपुर से मजीद मंसूरी की रिपोर्ट। पार्टी जन अधिकार पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, हमारी पार्टी का उद्देश्य है एक ही, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आबादी के अनुपात में हर क्षेत्र में हक और अधिकार चाहिए, जैसे कि गरीब और कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और किसानों को खाद बीज की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों को रोकने की जो कानूनी व्यवस्था है वो भी की जाएगी। और हमारे जो किसान हैं, उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति हैं, उनके कर्जे माफ़ किए जाएंगे। यानी 12-13 से जो हमारे जो पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो है, महिलाओं को उनकी आबादी के अनुसार में हर क्षेत्र में उनको भागीदारी दी जाएगी और गरीब एवं मजदूरों के लिए उनको जो शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुदान दिया जाएगा और जो पेंशन है, पुरानी जो पेंशन बंद कर दी गई है, उसकी बहाली कर दी जाएगी। कितनी पार्टियों का अलायंस है आपके साथ? हमारे 6 पार्टियों का अलायंस है। मुख्य रूप से? जी, मुख्य रूप से कौन कौन सी? मुख्य रूप से जैसे कि हमारी जन अधिकार पार्टी, माननीय ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM पार्टी, रामकरण गौतम मोर्चा की जो घटक दल है, घटक दल के मतलब हमारे मुख्य जो नेता है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी है, उनका आगमन है और उनके साथ हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के घटक दल के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। माननीय ओवैसी जी आ रहे हैं, माननीय रामकरण कश्यप जी, कमलेश चौहान जी, रामधनी बिंद जी और पृथ्वीराज जी, जितने हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा परिवर्तन मोर्चा घटक दल के नेता हैं।